सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो नॉर्मल वीडियो की तरह नहीं होने वाली है, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है 1.20 अपडेट के बारे में। तो एंड तक बने रहिएगा। और तो हम लोग पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो जो पहली चीज़ है वो है ये कैमल। यस गाइस, इसमें एक नया मॉब आया है जिसका नाम है कैमल। मतलब दो नए मॉब आए हैं और पहला मॉब है कैमल। और ये कैमल में हम लोग दो लोग बैठ सकते हैं, जैसे कि मैं अभी लाइक राइड कर रहा हूँ इस कैमल को, और एक पीछे भी बंदा बैठ सकता है। और ये मॉब बहुत ज़्यादा मस्त है, और हमें वो ये मॉब प्रोटेक्ट करता है बहुत सारे ज़ॉम्बी या फिर जो अलग अलग मॉब्स हैं उनसे भी। और जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, मैं आपको एक जंप मार के दिखाता हूँ इस कैमल को। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इस कैमल ने हमें कितने दूर तक भेज दिया भाई इस जंप से। और यहाँ पर तो फेल हो गया, बट ये कैमल मॉब बहुत ज़्यादा अच्छा मॉब है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी स्पॉन कर दिए, और यहाँ पर हम डैमेज नहीं ले रहे हैं। और आप गलती मत करना, ये जो हेबल्स है उसके अंदर ये उसके ऊपर ये ज़ॉम्बीज चढ़ सकते हैं और मुझे मार सकते हैं, पर मैं इसके थोड़ा भी पास जाने नहीं वाला हूँ। और हाँ ओके, मैं पास चला गया हूँ। पर ये मॉब हमें प्रोटेक्ट करता है बाकी सारे हॉस्टाइल मॉब्स से। सो गाइस, यहाँ पर एक न्यू सेट ऑफ बहुत सारे ब्लॉक्स आए हैं, और ये ब्लॉक्स है बैम्बू के, जो स्लैब्स होते हैं, डोर्स होते हैं, ट्रैप डोर्स होते हैं वो। और जैसे आप लोग देख सकते हो, मैं बहुत सारे बैम्बू के जो ब्लॉक्स हैं वो उठा रहा हूँ यहाँ पर, और मैं सारे ब्लॉक्स यहाँ पर पहले तो ले लेता हूँ, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये सारे ब्लॉक्स, जो बैम्बू के ब्लॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर अभी इनकी प्लेस करने की बारी आ गई। तो जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि मैं इससे थोड़ा सा कुछ एक प्लेटफॉर्म बना दूँ, और ये ब्लॉक्स थोड़े से डिसेंट दिख रहे हैं। लाइक मेरे हिसाब से ये थोड़े से डिसेंट ब्लॉक्स हैं। लाइक ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा ख़राब है और बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, पर थोड़ा सा डिसेंट लेवल पर हैं। मतलब अच्छे ब्लॉक्स हैं यहाँ पर। और इसके प्लैंक्स भी आते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ एक घर इससे। और हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा ही लगने वाला है ये घर, आई होप सो। मतलब डिसेंट ब्लॉक से बना हुआ है तो अच्छा ही लगेगा। और यहाँ पर मैं पूरा घर बना के आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, जी आप लोग देख सकते हो हम लोग ऐसा ऐसा कुछ कर सकते हैं। और इसके और भी ज़्यादा वेरिएंट्स हैं, जैसे कि इसके ट्रैप डोर्स, इसके डोर्स। और हाँ, अभी मैं आपको डोर्स प्लेस करके दिखाता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा लगा देता हूँ। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये है इसके डोर्स, बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। और ये न्यू डोर का वेरियंट है, और ये है डोर्स, जैसे आप लोग देख सकते हो कि मैंने इन्हें खोला। और ये है इसके ट्रैप डोर्स। हाँ, मुझे इसके ट्रैप डोर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं। लाइक जो बैम्बू ट्रैप डोर्स है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, क्योंकि इनका लाइक बोलते हैं ना आप, वेरिएंट बहुत ज़्यादा अच्छा और अच्छे से बनाया गया है ये बैम्बू ब्लॉक्स को। और हाँ, इसके अंदर बंडल्स भी आने वाले हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये कुछ 1.17 से चलता आ रहा था कि बंडल्स कब ऐड होंगे, बंडल्स कब ऐड होंगे। तो अभी बंडल्स ऐड होने वाले हैं, और जैसे आप लोग देख सकते हो ऐसे आप लोग थ्रो कर सकते हो बंडल्स के अंदर से ब्लॉक्स। और भी बहुत ज़्यादा न्यू चीज़ें आई हैं इसके अंदर, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये है जो बैम्बू के फेंस होते हैं, और जो फेंस के जो खुलते हैं ना, वो फेंस आई डोंट नो उसे क्या बोलते हैं, पर जैसे आप लोग देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और इसमें आप लोग बहुत सारे मॉब्स को स्टोर कर सकते हो, जो हॉस्टाइल भी हैं और जो नॉन हॉस्टाइल हैं। और जैसे अलग अलग फेंसेज होते हैं, इसके ऊपर से आप लोग जंप नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको एक फीचर दिखाता हूँ सैडल और कैमल का, मतलब कैमल का एक फीचर है, आप लोग ऐसे लगा सकते हो इसके ऊपर सैडल, और आप लोग इसके अंदर राइड कर सकते हो, मतलब इसके ऊपर राइड कर सकते हो। पर मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि ये रियलिस्टिक है कि नहीं, क्योंकि दो सैडल लगने चाहिए थे, बट यहाँ पर एक ही सैडल लग गया है। अगर आप लोगों को डबल सीटर करना है तो दो सैडल लगने चाहिए थे, पर एक ही सैडल लगा है। और जो कैमल्स हैं वो फेंसेस के ऊपर से जंप कर सकते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा अभी। सो गाइस, यहाँ पर न्यू ब्लॉक्स भी ऐड हुए हैं, और ये ब्लॉक है एक एम्प्टी, ओके ये यहाँ पर नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने क्राउच नहीं किया होता। और यह एक एम्प्टी बुक शेल्फ, जिसके अंदर आप लोग बहुत सारे इंचेंटेड बुक्स या फिर जो भी बुक्स हैं आप लोग इसके अंदर रख सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा एक रियलिस्टिक फीचर है, जैसे आपको पता होगा कि पहले के जो बुक सेल्स होते थे उसके अंदर से हम लोग कुछ सामान रखते भी नहीं थे, बट उसके अंदर पहले से बुक शेल्फ हुआ करते थे, मतलब बुक्स हुआ करते थे। और जैसे आप लोग देख सकते हो, मैंने इस बुक शेल्फ को पूरा भर दिया है, और इससे आप लोग रेडस्टोन कंपेयर, लाइक जो रेडस्टोन का जो स्टफ होता है वो भी आप लोग कर सकते हो इससे। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर मेरा जो रेडस्टोन का जो वर्क है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करते हैं।
यहाँ पर हम लोग ऐसे सारे बुक्स उठा लेते हैं और वो बंद हो चुका है। और अभी मैं वापस सारे बुक्स प्लेस कर देता हूँ और ये वापस एक बार चालू हो चुका है। तो ऐसे आप लोग रेडस्टोन का जो आपका कुछ वर्क है वो आप लोग कर सकते हो यहाँ पर। सो गाइस, इसके बाद में मैं आपको एक नया फीचर दिखाता हूँ और वो है राफ्ट का फीचर। जैसे आप लोग देख सकते हो ये राफ्ट बनी हुई है बैम्बू से ही और ये बोट टाइप ही है। राफ्ट मतलब बोट ही होती है एक तरह से। पर जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पर दो बंदे बैठ सकते हैं एक राफ्ट के ऊपर और दूसरे राफ्ट मतलब बोट जैसे जिसके ऊपर चेस्ट लगी होती है उसमें सिर्फ एक ही बंदा बैठ सकता है एक टाइम पर। तो राफ्ट मतलब ठीक ठाक है, मतलब जैसे कि मैंने आपको बोला है जैसे बैम्बू ब्लॉक्स हैं उसकी तरह ही राफ्ट भी डिसेंट हैं। और अभी बढ़ते अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ और अपना जो नेक्स्ट फीचर है वो बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है। और जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हैं बहुत सारे हैंगिंग साइंस और यहाँ पर मैं सारे लाइक टाइप के हैंगिंग साइंस यहाँ पर आपको दिखाता हूँ तो सारे कलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। और यस आई थिंक सो हो गया मेरा। और यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पर सारे हैंगिंग साइंस को लगाता हूँ और भाई क्या दिख रहा है भाई ये हैंगिंग साइंस। आप इसे लाइक जो पेंसिल होते हैं उसके बीच में भी लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है ये। और अभी मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ और आप इससे कुछ एक टाइप ऑफ वॉल भी बना सकते हो जैसे कि अभी मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। और आप लोग इससे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली और बहुत सारे साइड्स में ऐसे प्लेस करते हो और जैसे कि ये देख सकते हो आप ये बैम्बू की साइन है और अभी मैंने यहाँ पर एक वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल प्लेस कर दिया है और ये है एक वर्टिकल साइन। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये सामने की तरफ फेस कर रहा है और आप लोग साइड के तरफ फेस करने वाले भी साइंस यहाँ पर लगा सकते हो, हैंगिंग साइंस जिन्हें कहते हैं। और ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स के होते हैं जो नॉर्मल साइंस भी होते हैं। सो गाइस, ये है सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट फीचर इस 1.20 अपडेट का। और ये है एक नया मॉब जो चुना गया था मॉब वोट में और इस मॉब का नाम है स्निफर। और इसे आप लोग देख सकते हो ये जो स्निफर मॉब्स हैं वो हैच होते हैं एग्स से, जो रेयर एग्स होते हैं उससे, और ये आपको रेयर एग्स देते भी हैं। जैसे कि आप लोग अभी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो कि ये आपको ऐसे करके रेयर एग्स दे देंगे। फिर तो जब ये हैच होते हैं तभी वो बच्चे होते हैं और जब भी वो बड़े हो जाते हैं तभी कुछ ऐसे दिखते हैं एकदम बड़े। और पॉकेट एडिशन में ये सिर्फ जो अपना बंदा होता है उसकी हाइट के होते हैं, पर असली में जो जावा एडिशन है और बेडरॉक एडिशन उसमें ये मॉब्स जो हैं वो इंसानों से भी बड़े होते हैं, मतलब जो प्लेयर है उससे भी बड़े ये मॉब्स होते हैं। तो एक और न्यू अपडेट जो स्निफर मॉब के साथ, और ये भी एक मेन अपडेट है जैसे स्निफर था मॉब। और ये है न्यू स्किन्स ऐड होने वाली है माइनक्राफ्ट 1.20 में। जैसे आप लोग देख सकते हैं लाइक पहले जो स्किन्स हुआ करती थी वो सिर्फ होती थी स्टीव और एलेक्स की स्किन, बट अभी कुछ नए नए जो कुछ कैरेक्टर्स हैं उनकी भी स्किन आई है